दुनिया में आतंक की सप्लाई करने वाला पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। पाकिस्तान में ही उसके खिलाफ नारे लग रहे हैं, पाकिस्तान में सरकार के खिलाफ लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान कश्मीर में आतंकियों को भेजने की साजिश में लगातार लगा हुआ है। हिंदुस्तान के खिलाफ पाकिस्तान की आतंकी साजिश पर एक बड़ा खुलासा हुआ है। पाकिस्तान में आतंकी ट्रेनिंग लेकर लौटे लश्कर के दो आतंकियों को कल गिरफ्तार कर लिया गया। सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ के ज्वाइंट ऑपरेशन में दोनों आतंकियों को बारामूला से गिरफ्तार किया गया। लेकिन सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि इन दोनों आतंकियों को पाकिस्तान जाने का वीजा दिल्ली में पाकिस्तान हाई कमीशन की तरफ से दिया गया था। वहीं कश्मीर में आतंकियों का सफाया जारी है। बीती रात कुपवाड़ा में हिजबुल मुजाहिदीन में शामिल हुए एएमयू छात्र मन्नान वानी को सुरक्षा बलों ने घेर लिया। आतंकियों की मौजूदगी की खबर के बाद सेना, पुलिस और सीआरपीएफ के कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन शुरू करने के बाद इस पूरे इलाके को घेर लिया गया। बारामूला और सोपोर में एहतियात के तौर पर इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है। मन्नान वानी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से पहले ही निष्कासित किया जा चुका है। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने ट्वीट कर मन्नान से सरेंडर करने की अपील की है। इन सभी खबरों पर जी न्यूज आपको अपडेट देता रहेगा। सबसे पहले आपको दिखाते हैं पाकिस्तान के इस्लामाबाद की तस्वीर, जहां पर पाकिस्तान के अत्याचार के खिलाफ हजारों लोग सड़क पर उतर आए। इस्लामाबाद में पश्तून समुदाय के लोग आजादी के नारे लगा रहे हैं और उनका आरोप है कि उनके मानवाधिकारों का उल्लंघन पाकिस्तानी आर्मी की ओर से लगातार हो रहा है। लोगों का आरोप है कि पाकिस्तान की सुरक्षा एजेंसियों की ओर से आतंकवाद को पनाह दी जा रही है, पश्तून समुदाय पर हिंसा को बढ़ावा दिया जा रहा है। पाकिस्तान के इस्लामाबाद में आजादी की मांग को लेकर पश्तूनों का प्रदर्शन हुआ। मानवाधिकारों के उल्लंघन के खिलाफ पश्तून पाक से अलग होने की मांग कर रहे हैं। पश्तून बहुल इलाकों में आईएसआई की आतंकी कार्रवाई के खिलाफ नारेबाजी की गई। ट्राइबल इलाके में पश्तूनों पर हो रहे अत्याचार का जबरदस्त विरोध हो रहा है। हजारों पश्तूनों ने शनिवार को इस्लामाबाद प्रेस क्लब के बाहर प्रदर्शन किया। पश्तूनों ने पाकिस्तान सरकार को सशस्त्र विद्रोह की भी चेतावनी दी है। पाक खुफिया एजेंसियों पर पश्तून लड़कियों के यौन उत्पीड़न के भी गंभीर आरोप लगते रहे हैं। इसी साल जनवरी महीने में आंदोलन को दबाने के लिए पश्तून नेता नकीब की फर्जी मुठभेड़ में हत्या करने का भी आरोप लगा। वहीं पाकिस्तान सरकार के मुताबिक पश्तून संगठनों का लश्करे झांगवी और आईएसआई से संबंध है। इसके पहले अत्याचार से परेशान होकर बलूचिस्तान के लोग प्रदर्शन कर रहे हैं और अब पश्तून भी आजादी की मांग के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं। ये जो तहरीक काफिलों ने शुरू किया है, ये इस बारिश का पहला खतरा है। उस जुल्म उस बर्बरियत के खिलाफ जो जब से ये रियासत वजूद में आई है, इस खत्ते में हो रहा है, इस पख्तून खत्ते में हो रहा है। खुसूसन पिछले 15 साल से जो मुख्तलिफ नामों से पाकिस्तान के पख्तून खत्ते में हो रहा है, कबायल में हो रहा है, बाजावर में हो रहा है,